गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टैंडर्ड सेवेंथ लेसन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो हम लोग बहुत सारा फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा, कौन सा चीज किस किस के लिए यूज होते हैं और क्या उसमें से क्या बेनिफिट रहते हैं अपने लिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब लास्ट वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं टेस्ट क्या क्या रहता है। तो टेस्ट बोला तो अपने को टेस्ट कैसे समझ में आता है, अपने मुंह में हम लोग खाने के बाद ये मीठा है या खट्टा है या सॉल्टी है, ये सब कैसे टेस्ट अपने को समझ में आता है। टेस्ट के लिए अपने जो माउथ रहता है, माउथ के जी जो टंग रहता है, टंग के ऊपर टेस्ट बड्स बोल के एक ये रहता है, पीक्स रहता है, छोटा छोटा टाइनी पीक्स रहता है। ठीक है, अपने टंग एक माउथ वॉश करने के बाद, अच्छे से टंग को क्लीन करने के बाद हम लोग मिरर में देखा तो अपने को दिखेगा छोटे छोटे एकदम बारीक रेड कलर का चीज, उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स बोलते हैं। तो वो टेस्ट बड्स टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। ओके, तो डिफरेंट टेस्ट कौन सा रहता है, कौन सा टेस्ट रहता है? हाँ, टेस्ट दो तीन चार टेस्ट रहता है अपने को। जब हम लोग जैगरी खाते या शुगर कैंडी जाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो अपने को कौन सा टेस्ट मिलता है उसमें से? स्वीट, इजंट इट? स्वीट टेस्ट किसमें से मिलता है? शुगर कैंडी से। हाँ, जैगरी या चॉकलेट्स या स्वीट आइटम्स रहता है, अभी लड्डू खाते हैं या मैसूर पाक खाते हैं या कुछ भी स्वीट खाते हैं, तो अपने को उसमें से कौन सा टेस्ट आता है? स्वीटी टेस्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सॉल्ट। सॉल्ट का टेस्ट कौन सा रहता है? नमक का टेस्ट क्या रहता है? सॉल्टी। ठीक है, नमक का टेस्ट सॉल्टी रहता है। जो भी आइटम्स रहता है, अभी फरसन खाओ, उसका कौन सा टेस्ट रहता है? नमक सॉल्टी टेस्ट रहता है। नेक्स्ट इज द टैमरिंड और लेमन। जो टैमरिंड और लेमन रहता है उसका टेस्ट क्या रहता है? खट्टा रहता है, दैट इज सोर, इजंट इट? जो टैमरिंड और लेमन को कौन सा टेस्ट रहता है? सोर टेस्ट रहता है। और फेनिग्रिक या मेथी सीड्स, फेनिग्रिक बोला तो मेथी का जो ये रहता है वो कैसे टेस्ट रहता है? या बिटर गार्ड, जो बिटर गार्ड रहता है ना करेला, उसका टेस्ट कैसे रहता है? बिटर रहता है, उसका नाम में ही इंक्लूडेड है, वो बिटर रहता है, कड़वा रहता है वो टेस्ट। और ए पीस ऑफ एन आमला, आमला बोला तो आंवला जो रहता है ना, आंवला, उसका टेस्ट कैसे रहता है? दैट इज सोर। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स इफ वी ड्रिंक वाटर अबाउट दैट, देन इट विल बी टेस्ट स्वीटी, इजंट इट? जब हम लोग आंवला खाने के बाद थोड़ी देर के बाद पानी पियेंगे तो उसका टेस्ट स्वीट लगेगा, लेकिन पहले खाने के टाइम पे वो कैसे रहता है? खट्टा रहता है। आया समझ में इतना? टेस्ट कौन सा है और टेस्ट कैसे समझ में आता है अपने को? थ्रू टेस्ट बड्स, जो जीभ में टाइनी पीक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स रहता है। और टेस्ट बड्स में से अपने को क्या समझ में आता है? टेस्ट समझ में आता है। तो कौन सा टेस्ट है? सॉल्टी, स्वीटी और सॉर, बिटर, ये सब अलग अलग टाइप का टेस्ट रहता है। तो ये लेसन में हम लोग क्या क्या देखा, जो डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या रहता है और उसमें फूड स्टफ, अलग अलग फूड स्टफ रहता है, जो भी डिशेस हम लोग बनाते हैं उसके लिए अलग अलग फूड स्टफ यूज करते हैं, और अपने फूड जो है उसमें अलग अलग फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है, फूड मटेरियल रहता है, उसे अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चपाती का और सब्जी का एग्जाम्पल देखा था हम लोग, चपाती ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग खाते हैं और जो करीज रहता है वो स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं। और जो फूड जो भी रहता है वो किसके लिए रहता है? टू मेट अवर बॉडी नीड्स, जो अपने बॉडी का नीड्स रहता है वो सब फुलफिल करने के लिए अपना फूड अपने को यूज होता है। और दूसरा लास्ट में क्या देखा, टेस्ट बड्स, अलग अलग टेस्ट समझ में आने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेस्ट बड, वी आर यूजिंग द टेस्ट बड्स फॉर द डिफरेंट, टू नो द डिफरेंट टेस्ट। ओके, बाय।